हेलो फ्रेंड्स, ऐसे कई पौधे होते हैं जो कि हमारे घर में सौभाग्य लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कम केयर में अच्छे से ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें कि आप सावन के महीने में जरूर अपने घर में लाएं। ये सारे पौधे सुख समृद्धि शांति बना के रखते हैं। अगर कोई काम शुभ अवसर पर किया जाए तो वो और भी अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इस सावन के महीने में आप अपने घर में ये सारे पौधे नहीं तो कुछ पौधे जरूर ला के लगाए। बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए देखते हो कौन कौन से पौधे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। सबसे पहला पौधा जो है सावन के महीने में आप ला के लगा सकते हैं, वो है हमारा पीस लिली। पीस लिली एक वास्तु प्लांट के अंदर आता है। बहुत ही अच्छा सा इंडोर प्लांट है। घर में जो है पीसफुल माहौल बना के रखता है। साथ में पैसों की तंगी, सुख समृद्धि, शांति, ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से मेंटेन करके रखता है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिविटी घर के अंदर बनी रहती है, नकारात्मक चीज़ों को ये घर से दूर भगाता है। तो इसलिए आप जो है पीस लिली का पौधा एक अपने घर में जरूर रखें। दूसरे नंबर पे जो है आप लगा सकते हैं वो है हमारा लकी बैम्बो। आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं, ये लकी प्लांट के नाम से जाना जाता है। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, सॉयल में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नर्सरी से परचेज करके इस टाइम पे सावन के शुभ महीने में इस पौधे को आप ज़रूर अपने घर में लगाइए। ये पौधा जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, पैसों के लिए भी जाना जाता है। धन लक्ष्मी, मतलब इसको रखने से घर में लक्ष्मी जी की काफ़ी अच्छी प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है वास्तुशास्त्र में। तो अगर आप घर मतलब सावन के महीने में पौधों को खरीदना चाह रहे हैं तो ये पौधा अपने घर में एक पौधा जरूर ला के लगाए। बहुत ही अच्छा सा पौधा है, कम केयर में अच्छे से ग्रो हो जाता है। और थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी जो है गुडलक प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है विष्णुप्रिया, मतलब इस पौधे को मतलब इस तरीके से लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ जेड प्लांट रहता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जैसे हमारा तुलसी का पौधा होता है, सेम उसी तरीके से ये जेड प्लांट भी होता है। तो ये वास्तु प्लांट के अंदर आता है। तो आप इस पौधे को भी जो है घर में रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है इसे अपने घर में लगाना। तो इस सावन के महीने में आप एक पौधा इसका भी ला के, अगर आप ला रहे हैं तो ला के लगा सकते हैं। वैसे पूरे नहीं तो कुछ पौधे अपने घर में, ये जो इस तरीके के बहुत सारे पौधे होते हैं, मैं तो जो मैंने रखा है वही बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें कि आप अपने घर में रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे लिए। उनमें से एक है ये एरिका पाम। एरिका भी पाम भी जो है बहुत ही अच्छा सा इंडोर प्लांट है। आप इसको भी ला के रख सकते हैं, वास्तु प्लांट के अंदर आता है। 24 आवर ऑक्सीजन देता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा सा पौधा है। नेक्स्ट जो है आप ला सकते हैं पौधा, अगर नर्सरी से इस टाइम पे सावन के महीने में लगाते हैं, तो वो है हमारा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी बहुत ही अच्छे से कम केयर में अच्छे से ग्रो होने वाला पौधा है। तो आप इस पौधे को भी ला सकते हैं, वास्तु प्लांट के अंदर ये पौधा भी आता है। तो अगर आप जो है इसे बस इतना ध्यान देना है, इंडोर रख रहे हैं तो जहाँ मतलब ब्राइट सी अच्छी सी इन डायरेक्शन लाइट आए वहाँ रखेंगे तो बहुत ही हेल्दी तरीके से ये ग्रो होता है। कम केयर में अच्छे से ग्रो होने वाले सारे इंडोर प्लांट हैं हमारे। और नेक्स्ट जो है हमारा आप ला के लगा सकते हैं वो है स्नेक प्लांट। वैसे तो सब घर में होता है, बहुत ही ईजी हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर्स हैं ना, आपको पौधों की केयर करने नहीं आती, तो भी ये पौधा आपसे हैंडल हो जाएगा। बहुत ही ईजी टू मेंटेन है। और सबसे अच्छा है कि ये रूम फ्रेशनर का बहुत ही अच्छा काम करता है, एयर प्योरीफायर है, साथ में 24 आवर ऑक्सीजन देता है, वास्तु प्लांट के अंदर आता है। तो आप जो है स्नेक प्लांट को भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी वास्तु प्लांट के अंदर आता है। आप इस पौधे को भी जो है इस महीने में, सावन के महीने में, इस पौधे को भी खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। शुभ मौके पे अगर ये सारे पौधे आप खरीदते हैं तो आपको इसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम का भी पौधा आप अपने घर में रख सकते हैं, ये भी वास्तु प्लांट है। आप इसे बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी रख सकते हैं जहाँ अच्छी सी इन डायरेक्ट मतलब अच्छी सी सनलाइट आए हल्की फुल्की, तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आप इस पौधे को, सिंगोनियम को भी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। सावन के महीने में आप जो है अगर पौधों को ऐड करते हैं तो कुछ पौधे ज़रूर लाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये पौधे हमसे कुछ नहीं लगते हैं, कम केयर में हमें बहुत कुछ देते हैं, फील करने की बात है। तो इस तरीके से जो है आप अपने घर में पौधों को ज़रूर ऐड करिए। ये सुंदर तो दिखते ही हमारे घर, साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इसलिए आप जो है सिंगोनियम का भी एक पौधा लगा सकते हैं।
और गुड़हल का भी पौधा घर में जो है लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप इस टाइम पे गुड़हल का भी पौधा सावन के महीने में खरीद सकते हैं। अगर आपको रेड कलर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से रेड कलर जो है भगवान जी को बहुत ही अच्छा है, प्रिय लगता है। और एक पौधा होता है बेलपत्र, वो तो शिव जी का मतलब प्रिय पौधा है। अगर आप नीचे रहते हैं, जमीन में जगह है, तो आप जो है एक बेलपत्र का पौधा भी अपने घर में जरूर लगाइए। वो भी जो है घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है एलोवेरा। एलोवेरा का भी पौधा आप लगा सकते हैं, वास्तु प्लांट के अंदर आता है। तो सावन के महीने में आप इन सारे पौधों को जो है बहुत ही अच्छे से कम केयर में ग्रो होने वाले पौधे हैं, तो पूरे नहीं तो कुछ पौधे जो है नर्सरी से परचेज करके भी लगा सकते हैं। नहीं तो ये सारे पौधे जो इसमें से मैक्सिमम पौधों की कटिंग बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। आप चाहो तो कटिंग से लगा सकते हैं, या तो परचेज करके, या कहीं से आसपास मिल जाए तो मल्टीप्लाई करके भी ये सारे पौधे लग जाते हैं हैं। और नेक्स्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ये तो हर घर में होना चाहिए, वो है हमारी तुलसी। तुलसी का एक पौधा हर घर में होना चाहिए, ये एक धार्मिक पौधा है और साथ में मेडिसिनल प्लांट है, डेली किचन में हमारे यूज़ होने वाला पौधा है। तो एक तुलसी का पौधा जो है हमें अपने घर में इस सावन के महीने में ज़रूर लगाना चाहिए। सुख समृद्धि शांति संपत्ति संपत्ति ये सारी चीज़ें ये बना के रखता है। बस आपको जो है मेहनत, ऐसा नहीं कि फ्री में पैसे आते हैं, मेहनत करोगे आपको मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने आप मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप एक पौधा तुलसी का भी अपने घर में जरूर लगाइए, वास्तु प्लांट के अंदर आता है। और नेक्स्ट जो है आप जो है पीपल का भी पौधा अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा पौधा है। और एक पौधा जो कि आप सावन के महीने में लगा सकते हैं वो है हमारा अपराजिता का पौधा। ये भी जो है विश्वप्रिया के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारे घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और ये एक मैं कटिंग लेके आई थी मोर पंख, ये भी पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाने। अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाए या तो नर्सरी से लाना चाह रहे हैं, कटिंग से भी इजिली ग्रो हो जाती है, मेरे पास नहीं तो मैं इस टाइम पर लगा रही हूँ। तो आप भी जो है इस पौधों को जो है जरूर अपने घर में लगाएं, बहुत ही अच्छे से है, इजी टू मेंटेन है, हार्डी है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। और एक पौधा मैं लेके आई थी वो है समी का पौधा। समी का भी पौधा जो है हमें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो इस सावन के महीने में आप जो है शुभ अवसर पे ये पौधा भी जो है अपने घर में जरूर ऐड करें। ये मैंने लगाया है मोरपंख, और दूसरा जो मैं लेके आई थी वो है समी का पौधा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आपने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।